Thank you, Jim. शुक्रिया बहुत बहुत. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सबसे पहले तो जोरदार ताली संतोष जी के लिए. इतनी बढ़िया उन्होंने मास्टर सेरेमनी किया. आप में से बहुत से लोगों को पता है, जब मैं पढ़ा करता था तो मेरा ड्रीम था या मेरा विजन था, मैं सोचता था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और एक बार इमरान खान साहब से किसी ने पूछा कि क्या चीज़ चाहिए जिससे आप वर्ल्ड चैम्पियन बन जाओगे, तो उन्होंने कहा, उस समय कहा था, क्योंकि उस समय दो बहुत बड़े नाम थे, कि मुझे आप कपिल और गावस्कर दे दो तो मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा. मुझे बहुत फ़ख्र है, उन्होंने दो लोग मांगे थे अकबर के दरबार में, केवल 9 रत्न थे, मेरे दरबार में हजारों रत्न हैं. और आज सुबह मैंने संतोष जी को जब फोन किया, 9:15 बजे फोन किया होगा, मैंने कहा मास्टर सेरेमनी आपने करनी है, तो इतना विश्वास मुझे इनके ऊपर है या मेरी पूरी लीडरशिप के ऊपर है. मैं हमेशा, प्रीतम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, डाउनलाइन भी हैं, भाई भी हैं, उनसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी कोई हमारी सक्सेस बाय चॉइस में करता हूं या मिलियनेयर माइंड करता हूं, तो मैं उससे एक चीज़ पूछता हूं, मैंने कहा यार अब तक की बेस्ट ट्रेनिंग कौन सी थी, तो बोलता है ये वाली. तो मैं उसको हमेशा बोलता हूं अगली इससे भी बेस्ट होगी. और आप सब लोगों के ऊपर जो ये आप मेरे रत्न बैठे हैं, आपके ऊपर मुझे इतना गर्व है. हर एक सेमिनार जब से हमने शुरू किया, एक से एक इसका स्टैंडर्ड आप ऊपर लेके जाते गए. शिवम ने कमाल किया, मान साहब आए कमाल किया, सभी लोगों ने कमाल किया, और कुलदीप ने तो आज धमाल कर दिया. मुझे आप सबके ऊपर बहुत प्राउड है, एंड यही रीजन है कि हम इंडिया में ही नहीं, हम इंडिया के बाहर एशिया में वर्ल्ड नंबर वन टीम हैं, और बहुत जल्द हम पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर वन टीम होंगे. पिछली बार मान साहब को सुना था, इतना गदगद हुआ, उससे पहले शिवम को सुना, इतना गदगद हुआ, आज कुलदीप ने इतना हंसाया, इतना अच्छे से सरल तरीके से वो सिखाता चला गया, मज़ा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं बहुत इंस्पायर हुआ. सो वेल डन, ग्रेट. एंड यही रीज़न है कि क्यों यहाँ इतने रिकॉर्ड बनते हैं और लगातार बनते जाएंगे. और आप भी जैसे आप बार बार आते हैं सेमिनार में, हर एक शख्स की कामयाबी सुनते हैं, कोई भी शख्स शॉर्टकट से यहाँ नहीं पहुँचा. इन सभी लोगों ने बहुत ट्रस्ट के साथ मेहनत करी है, बहुत अच्छे बुरे दिन देखे हैं, तभी ये आज यहाँ पर आए हैं. सो आज अगर आपके साथ भी स्ट्रगल आ रही है, तो आप सोचो कि आप भी बिल्कुल सफल होने जा रहे हो. शिवम ने बिल्कुल सही कहा. आज सुबह मुझे शिवम का मैसेज मिला. शिवम ने मुझे लिखा कि सर मेरे कज़न ब्रदर को कार्डियक अरेस्ट हो गया, यानी हार्ट अटैक हो गया, सडनली उसकी डेथ हो गई, तो मैं गाज़ियाबाद में हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, लेकिन इस सेमिनार में ज़रूर आऊँगा. ये है कमिटमेंट. और यही रीज़न है कि वो इतना कामयाब है. शिवम आप जहाँ भी हैं, अगर आप खड़े हो सकें, अगर सामने हैं जी, सो आई सैल्यूट यू, वंडरफुल. इतना सब कुछ सुन चुके, लास्ट में यही कहूंगा, हे भारत के वीर जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. हे वेस्टीज के लीडर्स जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. मैं तुम्हें थाईलैंड क्वालिफाई कराने आया हूँ. हे वेस्टीज के लीडर्स जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. मैं तुम्हें थाईलैंड क्वालिफाई कराने आया हूँ. ये टूर नहीं एक टूल है, ये टूर नहीं एक टूल है, इस पर जो काम करेगा पीवी बढ़ेगी, चेक बढ़ेगी और ट्रिप फ्री मिलेगा. हे वेस्टीज के लीडर्स जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ. सो पूरी अपना फोकस रखना है, बहुत आगे जाना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, और पूरे जग पर, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे जग में डंका बजाना है. और मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, टिकट मेरी जेब में है, आ चुकी है,
दिनेश जी ने शायद काउंटर लगवा दिया होगा, द्वार लगा हुआ है। अगला हमारा सेमिनार 8 जनवरी को है। संडे वाले अंकल खुश हो जाओ, संडे मिल गया है। अगला सेमिनार 8 जनवरी को है, सो उसके जरूर टिकट लेते जाना। और जैसा कुलदीप ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये जो बिजनेस है, ये इवेंट प्रमोशन का बिजनेस है, जिसके लोग जितने ज़्यादा इवेंट में बैठते हैं वो इतना ग्रो करते हैं। एंड फिर से कहूँगा, थाईलैंड पे फोकस करिए, अपने लिए, अपनी टीम के लिए मॉनिटरिंग करिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करिए, प्लान दिखाइए, खूब सारे प्रोडक्ट सेशंस करिए, ताकि आप ग्रेट हाइट्स को छू सकें। विद दिस थैंक यू सो मच, विश यू वेल।